लेट गया। ओ ओ नाइस आ रहा हूँ सही। गए फोर फोर वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइज। बट बाद में करते हैं इंट्रो, पहले ये देखो ये बंदा आया और मेरे पास तेरी आँख क्या गायब काजल भाई। मतलब किस बेस पे डांस कर रहा है? कपड़े चाहिए ले भाई, कपड़े ले यार तू। मतलब डांस करके क्यों यहाँ पे मुजरा? मतलब भाई टिकटॉक क्यों क्यों फैला रहा है तू? चल छोड़ कोई बात नहीं, चलो फिर गाइज बढ़ते हैं गेम की तरफ। इस बंदे का बताना क्या सीन था कमेंट्स के अंदर। मतलब आया और आगे डांस, भाई क्या लॉजिक बनता है। चलो कोई सीन नहीं, चलो बढ़ते हैं फिर इंट्रो की तरफ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस, पबजी मोबाइल के कुछ बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं भाई नोवो प्लस साथ में कर रहे हैं द आपका मोस्ट डिमांडिंग शॉट गन ओनली चैलेंज। तो क्या मैं पूरा कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है यार ना भी हो, कोई सीन नहीं है। तो वो कमेंट्स में आप बताना, अभी बता दो वीडियो पॉज करके, एंड में तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं जा रहा था नोवो और आपने देखी भाई कितनी जनता उतर रही है। तो मैंने सोचा चलो यार कोई सी नहीं, ज़्यादा जनता आएगी अच्छी बात है, ज़्यादा मजे आएंगे। मतलब जितनी ज़्यादा जनता होगी उतनी ज़्यादा मजे, तो ओबियस सी बात है, मैं क्या पता मर भी जाए उतरते ही। ऐसा ही कुछ सीन था, तो मैं उतरा और मेरे को दिग्गी उतरते उतरते शॉट गन। मतलब भाई किस्मत देख रहे हो लौंडे की, बट किस्मत झंड भी होती है। मैं मतलब आया और नीचे जंप कर गया, मैं यार कहीं कोई और लैंड करके मेरी शॉट गन ना उठा ले, पहले डर था। बट मेरे पास बंदे नहीं उतरे, और जो एक बंदा था जो कि साइड में उतरा था, मतलब उसके भी शायद शॉट गन मिल गई। और भाई वो बंदा ना जो और बंदे उतरे थे उनके पीछे इस टाइप से लगा स्टॉल के लेके भाई, मतलब उनका कुत्ता बना दिया पूरा का पूरा। मतलब फुल पूछा पूछा कह रहा हूँ, फुल पीछा किया उस बंदे ने। तो इधर से मेरे को भी शॉट गन एस्ट्रल के प्लस एक ये अपनी S686 मिल गई थी। अब मैंने सोचा यार वो शॉट गन वाला बंदों को भगा सकता है, तो क्या मैं उसके पीछे नहीं जा सकता? मतलब बंदों के पीछे बंदा, बंदे के पीछे और बंदा, और बंदे के पीछे एक और बंदा। तो मैं इधर आता हूँ, मेरे को नहीं पता था वो शॉट गन वाला कौन सा था, इनमें से मैं मारता हूँ इन्हीं में से था या कोई अलग था। बट भाई उसने काफ़ी बंदे पहले उतरते ही उसके पास उतर गए और उसका स्टॉल के मिल गई। बट मेरे को तभी यहाँ पे दिख जाता है एक बंदा, और भाई इसको देखना भाई क्या ही पेलूंगा मैं। भाई साहब अगर ये वाला सीन या ये वाला S686 का शॉट देखे, मतलब भाई बंदा बिल्कुल एज पे दिख रहा था और उसको क्या ही टपाक से बड़ी। मतलब भाई एक लाइक तो बनता है अगर अभी तक नहीं किया, और सब्सक्राइब कर सकते हो तो भाई कर दो, और कर सकते हो क्या कर ही दो। बट मैं तभी इस घर में आता हूँ, इस साइड भी एक मेरे को बंदा दिखता है और मैंने इसके हाथ में देखा। और भाई ये बंदा थोड़ा सा मतलब बौखलाया हुआ था शायद। इसके पास मैंने स्टार्टिंग में इसमें हाथ में देखा, इसके पास गन थी यूजी और स्कॉर्पियन भी हाथ में लिया हुआ था। तो यार मैं भी पता नहीं क्या सीन था, पहले इसको मैंने बिचला दिया, मतलब मैंने शॉट गन मारी वो इसको नहीं लगी, मिस होगी। बट कोई सीन नहीं, एंड में मर गया ना। तो यहाँ पे मेरे को सामने वाले घर में भी एक बंदा दिखता है, तो इसको देखना भाई क्या ही नेड से पूरा मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग पे फेंकता हूँ भाई पट से, मतलब नेड शॉट, ये वो हेड शॉट नहीं नेड शॉट लगा। तो भाई ये वाला सीन देख के भी यार लाइक बनता है, मतलब मैं ज़्यादा लाइक मांग रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा चैलेंज भी डिफिकल्ट था और दिक्कतें होती हैं बनाने में काफ़ी, तब जाके मेरे को ये गेम निकला। तो समझ सकते हो आप यार क्या सीन होता है। तो यहाँ पे फिर मतलब आसानी से मैंने इन सबको लपेट दिया जो जॉर्ज पुल कह रहा हूँ नोवो के अंदर थे। बट तभी मैं यहाँ से मैंने सोचा चलो निकलते हैं। बट मैं जैसे ही इस घर के पास वापस आता हूँ, यहाँ से देखना फुट स्टेप आते हैं मेरे को, ये बंदा टीपीपी ले रहा है। इसको लग रहा बंदा ऊपर की तरफ है या साइड दूसरी तरफ है, बट बेचारे ने गलत रॉन्ग टीपीपी ली और टीपीपी की शक्तियों का उपयोग अच्छे से नहीं कर पाया, तो इसको भी आसानी से लपेट दिया गया बिल्कुल मतलब इजीली विदाउट कोई बेझिझक। या मतलब ये पता नहीं भाई क्या ही कर रहा था। इसके बाद मैं जाता हूँ मिलिट्री बेस, जहाँ पे मतलब वही बात है यार आजकल सबसे बड़ा मतलब नो जॉर्ज पुल से भी बड़ा ड्रॉप है। इधर जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे मतलब मेरे को बोट फायर कर रहा था, पता नहीं बंदा बोट फायर कर रहा था, बट यहाँ पे फायरिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो घुस जाते हैं, देखता हूं तो बोट ही निकलता है। बट फिर मैंने देखा ये मार किसको रहा है भाई, मेरे को दिखा वहां पे एक ऑफलाइन बंदा जो कि भाई सच में मतलब यार मतलब स्वाद दिलवा दिया यार अपनी, मैं मतलब हरियाणवी भाषा में बोलूं भाई बिल्कुल मजे से स्वाद आ गया इसने देख के।
भाई मतलब सच में भाई, मतलब मेरे पास 3 गैस कैन थे तो मैंने सोचा इसको साथ थोड़ा सा फ़न करते हैं, क्या पता है ऑफलाइन गया ऑनलाइन आएगा या नहीं आएगा, वो तो मतलब बाद की बातें थी। मैंने सोचा इसके पास ये फेंक देता, मतलब गैस कैन फेंकता हूँ, जैसे ही ऑनलाइन आएगा ना टपाक से दे दूंगा और मतलब पट से मतलब इसके साथ गैस कैन शॉर्ट हो जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि यार। तो बाद में मैंने मतलब काफ़ी देर इसका इंतज़ार किया, बट तभी भाई मतलब इसको मैं इधर इधर, जो आपने स्क्रीन मतलब मेरा थंबनेल भी देखा होगा उसमें भी मैंने इसी का ले रखा था, तो मैंने इधर उधर देखा, बट तभी एक बंदा पता नहीं किधर से मेरे पे पुश कर देता है, फिर देखो इसको किस टाइप से लपेटते हैं। और भाई इस बंदे को इजीली लपेट दिया गया, मतलब ज़्यादा दिक्कत पड़ी नहीं, क्योंकि 686 का जब एक शॉट पड़ता है तो बंदा भाई मतलब प्लेन बन के ऊपर चला जाता है, तभी एक बोट और आ जाता है। वही बात है यार, जब बंदा 686 में गिर गया तो बोट तो गिरेगा ही गिरेगा। बट मैंने इसका यार, इस बंदे का कम से कम 8 से 10 मिनट इंतज़ार किया, बट ये बंदा भाई नहीं आया। तो एट द एंड मैंने सोचा चलो यार ये तो नहीं आ रहा, मतलब यार काफ़ी देर, मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा आ जाएगा तो मैं भी सेल पर बात करेंगे या जो भी होगा, एंड में सोचा चलो फोड़ देते हैं इसको, मतलब यार अब चैलेंज करना है तो जितने बंदे मतलब मैं मार सकूँ, जितना मैं कैंप करके खेल सकूँ या कैसे भी खेल सकूँ, मतलब मेरे को चिकन निकालना है शॉटगन ओनली में, वो कैसे ही निकलो, मतलब एंड तो एट द एंड तो यही आती है। तो यहाँ पे इस बंदे के पास मैंने काफ़ी टाइम पास किया, बिकॉज जब मैं इसके पास आया था 27-28 बंदे बचे थे और गया तब 12 ही बचे थे, तो यार यहाँ पे आप समझ सकते हो मतलब यार वो स्ट्रेटजी समझ सकते हो ना मेरी, मतलब चिकन डिनर निकालने वाली थोड़ी सी, मैंने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए, बट कोई सी नहीं यार, होता है भाई, करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। तो इसके बाद भाई मतलब मैं पूरा मतलब अपनी गाड़ी लेके, मैंने सोचा ब्रिज मतलब थोड़ा थोड़ा जोन में आ रहा था, तो मैंने सोचा ब्रिज पे उतरते हैं, क्या पता यार वहाँ पे ब्रिज ब्लॉक हो रहा हो, किसी को शॉटगन से पेल ही दें। और तभी भाई साहब एक गाड़ी आती है मतलब मेरे अंदर पूरी ठुकती हुई, और बट इस बंदे की स्पीड भाई, मतलब इस बंदे ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, अगर ये रोक देता तो मैं भी शायद इसको लग सकती थी 686, बट भाई तभी एक और आ जाती है। मैं भाई क्या ही नशे चल रहे हैं, मतलब भाई जी लेने दो यार, हम जैसे गरीब आदमियों को भी ज़िंदगी, मतलब 686 वाले को यार दो दो गाड़ियां से, मतलब एक बार आगे से जा रही है एक बार पीछे से मार के जा रही है, मतलब दोनों तरफ से मारोगे क्या यार अब तो। बट कोई सीन नहीं, तभी भाई मतलब मैं वहां से तो वो भागे, वो रुके नहीं, पता नहीं उनको क्या डर लगा, मेरे से लगाया, मे भी हो सकता है उनके अलावा भी कोई ब्रिज पे ब्लॉक किए बैठा हो, मैं आगे नहीं गया बिकॉज यार डर बैठ गया मेरा, मतलब जो दिल है ना दिल में पथरी हो गई थी भाई एक बार तो, मेरे को मतलब भाई उल्टी आने लगी थी दिल से। बट उसके बाद भाई मैं गाड़ी फिराता फिराता आता हूँ इस कंपाउंड की तरफ, बिकॉज जोन में बचा था लास्ट में यही एक बड़ा कंपाउंड, और यहाँ पे एक बंदा होता है, मतलब उसने M4 की मेरे को स्प्रे दी थी, मैं पहले राउंड काट के आया, तो मैं दूसरे में सोचा इधर ही होगा कहीं आसपास, मैं जाके शॉटगन से पेल देंगे, मतलब स्टार्टिंग में फुल जोश में गया ना यार मैं, जोश होता भाई मन के अंदर, दिल के अंदर, हर जिगरे के अंदर, तो मैंने नेड वेड भी फेंक नहीं रहे, मैं भी इसी घर में हूँ तो मैंने सोचा नेड वेड फेंक देते हैं फट जाएगा, बट भाई वो नहीं फटता, सच्चाई है भाई नहीं फटता, क्या ही करें, मतलब कहाँ कैंप कर रहा है, पुश कर नहीं सकता, ऑटो गन हो तो मे बी मैं जाके घुस के मारने की ट्राई कर लूँ, बट ऐसे में तो नहीं होता भाई अपने से, क्योंकि बिकॉज यार कहीं मार देगा फिर वो दिल में पथरी हो जाएगी तो गलत चीज़ है। तो उधर फिर मतलब मैं इधर ड्रॉप वगैरह के पास से गया तो मेरे को दिखता उस पहाड़ी पे एक बंदा, तो उस बंदे को मैंने सोचा यार अब गन से तो यार शॉट गन से क्या पता मरे ना मरे, मैंने सोचा दूर से गाड़ी फिरा के ले जाता हूँ, मतलब उसको दिखनी नहीं चाहिए, और उसके ऊपर इस टाइप से गाड़ी चलाऊंगा स्मूथली, मतलब वो बंदा सोच में पड़ जाएगा क्या ही चल रहा है। बट उस पर भी फायरिंग वगैरह दोनों तरफ से आ रही थी तो वो भी थोड़ा हिचकिचा हुआ तो था ही, तो तभी मैं यहाँ से मतलब ऐसे गाड़ी ले जाता हूँ, और उसने ग्रोजा की क्या ही स्प्रे दी, मतलब बिल्कुल टट्टी स्प्रे दी भाई, एक गोली भी टच नहीं कर पाया, और फिर भाई मतलब मैं वापस से फिरा के ले जाता हूँ, और आई एम अ राइडर। तो यहाँ पे यार मैंने रुको जरा सबर करो भाई यार, मेरे को भी तो डर है यार कॉपीराइट आ जाएगी, इससे ज़्यादा मजे नहीं करते, मतलब शो ऑफ इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो इधर मैं फिर आता हूँ, मैंने सोचा इस बंदे को थोड़ा बहुत लूट ले, क्या पता यार कोई पीने की दवाई मिल जाए, मतलब इसका बक्सा खुलता ही नहीं, हो पबजी के ग्लीचीज है ना भाई, वो थोड़ा टाइम लगा, बट तभी मेरे पे पीछे से कोई M4 की टैप टैप देने लगा, तो मैंने सोचा निकलना ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। अब मेरे को एक बार तो लग रहा था यार कहीं कैंप कर लूँ, बिकॉज लास्ट वाले सांपों का नहीं पता, फिर मैंने सोचा यार क्या ही होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, बट करके अंधा पुश करके खेलते हैं। तो इधर एक गाड़ी वाला दिखता है, और फिर देखो भाई इस गाड़ी वाले में मैं ठोक देता हूँ गाड़ी, और भाई साहब यहाँ पे हो गया मेरे साथ मतलब तकड़ा स्कैम, लास्ट के दो बंदे बचे थे बिल्कुल मतलब एंड में आके, और
एक इतना तकड़ा कोट हो गया ना मेरे साथ, स्कैम हो गया भाई, कि मतलब एक बंदे इसको यार 686 यार इतनी क्लोज में अगर 686 पड़ेगी तो यार नॉकआउट होने का हिसाब बनता है, बट पता नहीं यार क्यों ही नहीं बिना। और इसके बाद भाई दिमाग हो गया मेरा, मतलब थोड़ा सा वो चकरा जाता है, होता है यार काफ़ी देर लग गई, और इतना एंड में जाने के बाद मूवमेंट होती है, एक दो बंदा मारना और हो जाता है तो होता है, कोई सीन नहीं, बट अब क्या ही कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। बट एक मतलब चीज़ है कि अब आप कहोगे यार ये तो पूरा ही नहीं हुआ, आपने चैलेंज पूरा ही नहीं किया, तो हम कैसे माने या क्या ही करें, आपने कहा था चैलेंज पूरा करेंगे। तो इसके लिए बस मैं छोटा सा एक आपसे बस मतलब आप देखो लाइक सब्सक्राइब तो वैसे भी करते हो, बट मैं करता हूँ इस वीडियो पे आप क्या ही बताऊँ 2K लाइक्स। यार देखो अपने 1K 1100-1200 लाइक, 1300-1500 कईयों पे 10,000 भी हो जाते हैं, कोई सीन नहीं, आपका प्यार सपोर्ट है, बट मैं कह रहा हूँ इस वीडियो पे सिर्फ 2K लाइक्स, 2K लाइक्स करवा दो। उसी जैसे ही 2K लाइक्स होंगे उससे अगले दिन या एक दो दिन में मैं पक्के से पक्का फुल मतलब पूरा का पूरा एंड में जैसे पूरा का पूरा जैसे चिकन के साथ और शॉर्ट गन ओनली चैलेंज आप सभी के लिए लेके आ जाऊँगा। सॉरी यहाँ पे बस मैं माफ़ी के अलावा कुछ नहीं मांग सकता, हो गई गलती भाई, बाकी आप सभी का प्यार सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।